सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अध्यक्ष महोदय जी, निर्णायक क्वीन एवं मेरे प्यारे छोटे भाई तथा बहनों, आज मैं कनिका कटवार आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, वह विषय है समाज में बढ़ते अपराध व नशाखोरी समाधान कैसे। समाज में बढ़ते अपराध व नशाखोरी समाधान कैसे। नशा छोड़ो जीवन बचाओ, अगर नहीं छोड़ा इसे तुमने तो मौत खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। आ जाएगी नहीं, आ गई है। नशाखोरी एक गंभीर विषय है। नशा भले ही एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके रूप, इसकी समस्याएं, इसके प्रभाव संपूर्ण समाज पर बहुत ही व्यापक प्रभाव डालते हैं, जिनकी हम और आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, आइए नशे के बारे में जानते हैं। गुटखा, पान, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, ये सभी नशीले पदार्थ हैं। इनका लगातार उपयोग करना या फिर इन सब चीजों की लत लग जाना ही नशा है। प्राचीन समय में इन सब का प्रयोग कुछ औषधियों के रूप में भी होता था, लेकिन अब इनका दुरुपयोग नशे के रूप में हो रहा है। पहले था नशा जिंदगी की दवाई, अब बन गया उसी जिंदगी का कसाई। अध्यक्ष जी, आइए नशे के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। किसी भी देश के महत्वपूर्ण पूंजी उसके नागरिक तथा युवा वर्ग होते हैं, वही देश का भविष्य तय करते हैं। तकनीकी के युग में इतनी तरक्की हो गई है कि मनुष्य अपनी सभ्यताओं को भुला कर क्या पश्चिमी सभ्यताओं को अपना रहा है। पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव नशे की बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण है। अध्यक्ष जी, नशे की बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित है तो वह भी इससे छुटकारा पाने के लिए नशे का प्रयोग करना शुरू कर देता है। वह कुछ समय की राहत पाने के लिए इसका प्रयोग करता है, कब इसकी लत लग गई उसे पता भी नहीं चलता। कुछ पल का नशा सारी उम्र कैद की सजा, सारी उम्र कैद की सजा। यह तनाव भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे घरेलू परेशानियां, शारीरिक तथा मानसिक तनाव, गरीबी, बेरोजगारी। अध्यक्ष जी, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो नशे के व्यापारी अपने ऐशोआराम के लिए नशे का एक गोरख धंधा करते हैं, जिससे ऐसा करवा खुद को संपन्न बनते हैं, लेकिन जिन्हें ड्रग सप्लाई करते हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन जिन्हें ड्रग सप्लाई करते हैं वो कोई और नहीं अपने ही देश के नागरिक होते हैं। ऐसा करके वो अपने ही राष्ट्रों को इस अंधकार में जाग रहते हैं। ऐसा निर्भर होकर राष्ट्र तरक्की कर सकता है, बताइए उन्नति कर सकता है? नहीं, अगर मेरे माता पिता या आपके माता पिता हम लोगों को पढ़ाए लिखाए नहीं तो क्या हम तरक्की कर सकते हैं? तो क्या हम उन्नति कर सकते हैं? नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो नशे के दुष्प्रभाव निकल कर सामने आए हैं। उदाहरण के लिए हम डेली न्यूज पढ़ते हैं कि आ नशा पुष्कर मंडी में पकड़ गए, हमीरपुर में पकड़ गए, पंजाब में पकड़ गए, लेकिन कानून पर पूरी कार्रवाई नहीं करता है। उन्हें पूरे समाज के सामने कोई धन निर्धारित नहीं करता, जिसके कारण नशा तस्कर के मन में कोई भय उत्पन्न नहीं होता, न सजा का होता है और नशे का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। अध्यक्ष जी, इन सभी कारणों से देश में अनेक समस्या उत्पन्न होती है, अपराधों में बढ़ोतरी होती है, नशे अपराधों की जड़, जैसे पेड़ का विकास उसकी जड़ से है, बच्चे का विकास उसकी माँ से है, राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों की बुद्धि से है, वैसे ही अपराधों का विकास नशे से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ड्रग्स, गांजा, चीटा, इन सभी का उत्पादन होता कहाँ पर है? क्या मेरे घर पर होता है? क्या आपके घर पर होता है? नहीं तो सरकार पता लगाए किसका उत्पादन होता कहाँ पर है। अगर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर के देशों से आता है तो सरकार उन तमाम राज्यों को बंद कर दे जिन राज्यों का नशा तैयार होकर के हमारे देश में आ रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरी गुहार को आगे तक पहुँचाएंगे। अध्यक्ष जी, इन सभी समस्याओं के समाधान तो अनेक है, जैसे अधिक जागरूक
उठाए। मैं आप सभी से एक बार फिर प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या उन सभी समाधानों से भी यह समस्या खत्म हो पा रही है? बताइए, क्या यह समस्या खत्म हो पा रही है? नहीं तो हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा, और मेरे हिसाब से वह रास्ता राष्ट्रीयता का रास्ता है। इसका मतलब मिलकर कार्य करना होगा। यह देश किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक संस्था से मिलकर नहीं बना है, यह हम सब से मिलकर बना है। अतः हमें नशा मुक्ति के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। नागरिक स्वयं को नशे से दूर रखे, जागरूक लोग दूसरे लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताए, साथ ही सरकार उन तमाम रास्तों को बंद कर दे जिन रास्तों से नशे का रख के हमारे देश में आ रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगी कि आप मेरे इन सुझावों को उन भूखमानों तक पहुंचाया जाए जिनके शासन तले ये नशा पला भरा बन के दुनिया को बर्बाद करने वाला बन गया, दुनिया को बर्बाद करने वाला बन गया। इंसान जो नशे से दूर है जीता जिंदगी वही भरपूर है, देता समाज को दिशा नहीं बनता देश का गरूर है, बनता देश का गरूर है। जय हिंद जय भारत।